हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यह कॉलेज तमिलनाडु की राजधानी और मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई के पारूर में स्थित है। यह कॉलेज चेन्नई के टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल है, जिसकी स्थापना 1985 में डॉक्टर के सी जी वर्गैसे के द्वारा की गई थी। यह कॉलेज 150 एकड़ के बड़े एरिया में फैला हुआ है। हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता भी प्राप्त है और NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2020 के अनुसार 107 पोजीशन पर आती है। तो चलिए अब इस कॉलेज का डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है। हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी चेन्नई से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो लगभग 36 किलोमीटर दूर है, और चेन्नई एयरपोर्ट सबसे सामने एयरपोर्ट है, जो लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के रिव्यू में हम लोग इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल एंड मेस के साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोर्सेज। इस कॉलेज से आप मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। आगे आप बीटेक, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन मल्टी प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, लॉ के सभी कोर्सेज के लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला हिटसी एंट्रेंस के थ्रू, जो इस कॉलेज का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, और दूसरा आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी अब दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला गेट एग्जाम के मेरिट बेस्ड, और दूसरा आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बारी। पहले NIRF रिपोर्ट 2020 के अनुसार, जो रिपोर्ट कॉलेज के द्वारा NIRF को सौंपी जाती है, इस कॉलेज की मीडियन सैलरी पैकेज 2019 में बीटेक वालों के लिए 3.25 लाख पर एनम, एमटेक वालों के लिए 3.6 लाख पर एनम और बी आर्किटेक्चर वालों के लिए 3.8 लाख पर एनम गई थी। स्क्रीन पर आप 2018 की मीडियन सैलरी पैकेज को भी देख सकते हैं। कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 2019 में 77 कंपनियों ने लगभग 456 जॉब ऑफर किए और कॉलेज में 78.6% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे। इसी तरह आप साल 2018 और 2017 के प्लेसमेंट रिपोर्ट को देख सकते हैं। लास्ट में आप कुछ रिक्रूटर्स की लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इनके कैंपस को विजिट करते आए हैं। यारोना हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट है, जिसका रंगारंग आयोजन कराया जाता है। इस फेस्ट में सितारों को भी शामिल किया जाता है। हॉस्टल एंड मेस। इस कॉलेज के पास वन गर्ल्स हॉस्टल और वन बॉयज हॉस्टल है, जिसमें AC डबल रूम शेयरिंग विद अटैच्ड बाथरूम, नॉन AC डबल रूम शेयरिंग विद अटैच्ड बाथरूम और नॉन AC ट्रिपल रूम शेयरिंग विद कॉमन बाथरूम के ऑप्शन अवेलेबल है। आप सभी रूम ऑप्शंस के कंडीशंस के साथ हॉस्टल फीस को देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर। स्क्रीन पर आप बीटेक के फीस स्ट्रक्चर को ब्रांच वाइज देख सकते हैं। आगे आप बी आर्किटेक्चर, BSc के सभी कोर्सेज के सेपरेट फीस स्ट्रक्चर, BCom, BBA, BA, BCA, MBA स्पेशलाइजेशन वाइज, MCA, MSc, MTech, M-Planning, M-Architecture, BALLB के फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब हम लोग हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, भारत यूनिवर्सिटी, सत्यभामा यूनिवर्सिटी और वेलटेक यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, जो आपको इन कॉलेजों के सिलेक्शन क्राइटेरिया में मदद करेगा। यह चारों कॉलेज मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई के अलग अलग भागों में स्थित है।
पहले प्लेसमेंट में कंपैरिजन सत्याबामर और वेलटेक यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट ठीक ठाक है और दूसरी ओर हिंदुस्तान और भारत यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट फिलहाल थोड़ा सा कम है। दूसरा, फीस स्ट्रक्चर में कंपैरिजन हिंदुस्तान और वेलटेक यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अधिक है और दूसरी ओर सत्याबामा यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर एवरेज और भारत यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है। NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2020 के अनुसार सत्याबामा यूनिवर्सिटी 51 पोजीशन पर, वेलटेक यूनिवर्सिटी 95 पोजीशन पर, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी 107 पोजीशन पर आती है। फिलहाल भारत यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग रैंकिंग नहीं मिला है, पर भारत यूनिवर्सिटी NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार 59 पोजीशन पर आती है। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप सत्याबामा यूनिवर्सिटी की ओर जाए, उसके बाद वेलटेक यूनिवर्सिटी और लास्ट में भारत यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की ओर देखें। इन दोनों में हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा है, पर भारत यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर चारों कॉलेजों में सबसे कम है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कॉलेज रिव्यू को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।